बुधवार को जिला अधिकारी कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने समस्याओं के निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों से संपर्क कर फरियादियों की समस्याएं तत्काल प्रभाव से सुलझा रहे हैं। जनता दर्शन में शहर और दूर दराज गांव से पीड़ित फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर प्रतिदिन सुबह आते हैं और समस्या का समाधान मिलने पर उनके चेहरे खिल जाते हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनता दर्शन के दौरान आए फरियादियों ने कहा, अभी तो फसल कट गया होगा जी, क्या चार्ज क्या है काम का घटा है इस पर रास्ता कब्जा तो हटा, आप तो फसल कट गया ना, उसको गोद लेंगे गड्ढा तैयार करवा पासवर्ड क्यों दिए हो? अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है पासवर्ड नहीं देना चाहिए था किसी जी, पूरा पैसा गया कहाँ से ढूंढेंगे, लाता है बंद के बाद सर मोबाइल में जानो फोन नहीं आ रहा है, बोला कि आपसे एटीएम पर निकल सही है दोबारा में बताओ क्या जी आपका तो उसी कॉल कितने पैसा गया तुम्हारा अरे क्या है नंबर ही जान लो बोला आदमी से बात नहीं है पकड़ना मुश्किल है यार सारे चेंज कर दे मेरी बात हुई नहीं ना मेरी बात हुई कैसे बात होता बात हो रही था आज तो फोन के कहा वो पासवर्ड काहे के लिए दे रहे हैं अरे तो मेरा अगली गए एटीएम में गया मुझसे भी पूछा जाता था पासवर्ड तो फोन देते आपका कार्ड रिन्यूअल होना है आप कार्ड बताएं पासवर्ड बताएं रिन्यूअल के नाम से फोन करते हैं बिहार से कॉल आता है ये जो स्पैम इसलिए तो देखिए सारे फर्जी नंबर सारे लोग ब्लॉक कर रखा है ये बिहार से बिहार झारखंड से चलता है स्कूल में पता तो इन लोग जो कहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ने दो आर्थिक मदद हम कर लेंगे बाकी उनका प्रक्रिया के लिए करा दो बाकी तो स्कूल के मैं करा देता हूँ ठीक है प्राइवेट में जो कहाँ पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो हाँ भाई वो वही विद्यालय तो पढ़ने दो पता कर लेंगे चलो आधार कार्ड लेके आए बात क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा क्या कहें वो क्या समस्या है? समस्या हमारे बच्चन के एडमिशन के लिए एडमिशन कराने के लिए तो सुविधा दिए हैं विधवा पेंशन के लिए 30,000 रुपया का फॉर्म भरना ये मिलेगा कहे हैं डीएम तो क्या लग रहा है यहाँ पे आपकी बात सुनी जा रही है? बुलाए थे जो आइएगा हम आपको आवास दिला देंगे कोई नौकरी दिलवा देंगे बच्चों को एडमिशन दिलवा देंगे ऊपर पर खुद ही जाकर बुला कर आए थे वही हम लोग आए हैं दिए हैं अब वो कहे हैं कि हाँ हम कर देंगे इससे हमको विश्वास है कि वो कर देंगे। क्या नाम है आपको और कहाँ पे आए थे अभी? जी सर मेरा नाम प्रहलाद है मैं आया था ऑफिस से जी क्या करने के लिए क्या समस्या है? सर समस्या है कि मेरे अकाउंट फेक कॉल कर आके मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं सर। कितना? 1,93,000। क्या हुआ कुछ यहाँ? सर इन्होंने कहा कि नंबर चेक करने के बाद नंबर तो झारखंड बिहार का लग रहा है इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ SSP ऑफिस से आप जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन डालिए।